Now, Rajasthan cabinet reshuffle is expected tomorrow. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has called a meeting of cabinet and the Council of Ministers at the Chief Minister's residence at 5 p.m. today. In fact, Rajasthan Congress in charge Ajay Makan has been holding a series of meetings with Chief Minister Gehlot since yesterday. Makan has also announced the resignation of three Rajasthan ministers, Education Minister Govind Singh Dutasara, Health Minister Raghu Sharma and Revenue Minister Harish Chaudhary, which was expected, in fact, it was accepted by the Chief Minister Gehlot to accommodate them after the resignation of three ministers. 12 ministerial posts now fall vacant in the Gehlot cabinet. Apart from Sachin Pilot's camp, BSP MLAs and other independent MLAs are also likely to be given ministerial berths in Gehlot's cabinet. आपने सोनिया गांधी से इच्छा जताई कि हम संगठन में काम करना चाहते हैं, आप क्या इच्छा नहीं जताई बल्कि हमने इस्तीफा दे दिया है कि हम संगठन की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दे रखा है, तो मैं समझता हूँ कि करीब 2 साल के लगभग अब दोबारा चुनाव में रह गए हैं, तो हम सब लोगों को संगठन को मजबूत करना है। क्या संगठन में काम करना के लिए ज्यादा वक्त चाहिए था इसलिए मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया, या फिर हमारी पार्टी का पहले से ही सिद्धांत है एक पद एक व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसकी पालना हम सबको करनी चाहिए। पार्टी नेतृत्व को हमने जिस दिन हमें ये जिम्मेदारी दी थी उसी दिन हमने कह दिया था, लेकिन चूंकि रिशफल या विस्तार जो भी होना है वो नहीं हुआ था, इसलिए ये सारी चीजें चल रही थी। अब चूंकि रिशफल और जो भी विस्तार होना है, क्या होना है, जो भी हो रहा है, तो हमने कह दिया कि भाई हमारा इस्तीफा स्वीकार करें और हम संगठन में काम करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस में कोई खेमा नहीं है, सब एक हैं हम लोग। कोई न तो हम लड़ाई कर रहे थे, न हमें इंतजार था, और जो होगा जो अच्छा ही होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, अजय माकन साहब, गहलोत साहब, पायलट साहब जो भी निर्णय करेंगे वो हमें मानने। देखिए, ये जो सवाल है आपका, पायलट साहब के साथ हम आजीवन रहेंगे, जब तक जिंदा जब तक रहेंगे। हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के, उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके मंत्री पद छोड़ने का भी इन्होंने पेशकश करी है, और साथ में पार्टी के लिए काम करने के लिए इच्छा व्यक्त करी, और कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है, और ऐसे होनहार लोग जो हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हमें खुशी।